टायर तो पंचर हो गई। अरे टायर में तो हवा नहीं है, इस पे से उतर जाओ। मैं नहीं उतर रही। अरे उतर जाओ, इसमें हवा नहीं है। कोई बात नहीं है, हवा नहीं है तो भी ऐसे चलाओ। अरे ऐसे नहीं चला सकता ना, इसमें हवा नहीं है, ऊपर से टायर खराब हो जाएगा मैं ऐसे चलाऊंगा तो। समझो, उतरो। मैं नहीं उतर रही। ये तुमने बोला। काश मैं ये कह सकता पर ये मैंने नहीं कहा। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? इसका मतलब है ये मेरे फोन की रिंगटोंग है, कॉल रिंगटोंग। मेरे दोस्त का फोन आ रहा है, दो मिनट रुको। हेलो भाई, कैसा है रे तू? नहीं भाई, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। अच्छा, 1500? यार मेरे पास तो अभी 1000 रुपए है, तू बोल तो मैं तुझे दे देता हूँ। थैंक यू भाई। अच्छा ठीक है, चलो ना कोई अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। 1000 रुपीज के साथ? वैसे मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अभी नहीं, ये जो पैसे है ये मेरे दोस्त को भी जरूरी है, कभी और खाएंगे हम। अरे पागल लड़के, यहाँ पर तेरे टायर में हवा नहीं है, बंदी भूखी है और तुझे दोस्त को पैसे देने हैं। अब तुम्हें चुनना पड़ेगा मुझ में और अपने दोस्त में। मैं कैसे मान लूं तेरा ऐसे ही ब्रेकअप हुआ है? तू जैसे कंजूस मक्खी चूस गधे जो अपने दोस्त को 1 रुपए ना दे 1000 रुपए देने की बात करता है। अबे जाना। अरे भाई सच में, अबे जाना, झूठ तो ऐसा बोल कि लगे सच। जा रहा हूं मैं। अरे भाई सुन तो। तो ऐसे हुआ था भाई उसके साथ। भाई ये मेरा दोस्त जिसके बारे में तेरे को मैं बता रहा था। यार बट्टू भाई तूने क्या कर दिया, ये इतनी मुश्किल तुझे बंदी पट्टी थी और तूने छोड़ दी। तुझे ये बात विकास ने बताई है क्या? भाई बातों का क्या है, बातें तो पता लग ही जाती है, और विकास ने तो बस अपनी दोस्ती निभाई है। ये बात मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनके पेट में बात नहीं पचती, थोड़ा कम खाया करे, बातें आराम से पच जाएगी। अब तो लगता है बातों से ही पेट भरना पड़ेगा। कुछ लोग होते अपनी गर्लफ्रेंड को भरपेट भोजन भी नहीं करा पाते, मतलब खाना नहीं खिला पाते। मुझे लगता है जितेंद्र भाई बिट्टू का थोड़ा ढीला है और तेरा गीला है। चल जाने दे बात को, तू मेरा दोस्त है, जाता हूँ मैं। अरे विकास, कैसा है भाई बिट्टू? तू? मैं ठीक हूँ। देख मेरी नई गर्लफ्रेंड। अच्छा। अरे विकास, ये वही है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। अच्छा अच्छा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है बिट्टू भाई, चलता हूँ यार। अरे 10 पैकेट ना ओयो में डिलीवरी करना है, और बाकी के जो है ना वो मैं डिलीवरी कर दूंगा। और भाई कैसा है? क्या चाहिए? अरे वही जो तू देता था मैं। अरे आज मेरा मूड अच्छा है, सामान दे दे। सामान? चॉकलेट? अबे डार्क चॉकलेट। ये भाई। ठीक है भाई, चलता हूँ। ठीक है यार, आजकल तुम क्या कर रही हो जो कभी पतली कभी मोटी? मैं डाइट ले रही हूँ, कभी कभी छोड़ देती हूँ, कभी कभी ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है, बाकी बात में करेंगे। तुम स्कूटी के पास इंतजार करो, तुम्हारे लिए कुछ लेने जा रहा हूँ। ठीक है। यार सामान तो भूल गया यार। चलो ऐसे कर देंगे यार, क्या दिक्कत। भगवान के नाम पे कुछ तो दे दे रे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे कुछ तो दे दे रे बाबा, कोई तो दे दो यार। आ जाओ यार, इस गरीब को देख लो यार। भगवान के नाम पे कुछ तो दे दे रे बाबा। शुक्रिया साहब, 2 रुपए दे रहा साले। छोड़ो, आज देखता हूँ इसकी दिहाड़ी कितनी हुई आज की। साला बस 2 रुपए की कमाई हुई। चलो कोई बात नहीं यार। अरे विकास को कॉल लगी, चल आगे जाके बात करता हूँ।
यही पे बैठ के बात करता हूँ। बिट्टू का फोन। और भाई विकास कैसा है रे तू? मैं तो ठीक हूँ, तू अपना बता। भाई मैं तो ठीक हूँ, तू कहाँ बा रहे इतने दिन से? भाई मैं तो लंदन में हूँ, फुल मौज मार रहा हूँ। अच्छा भाई तू लंदन में है? भाई यार तू तो पूरी मौज कर रहा है। हाँ यार फुल मौज मार रहा है तेरा भाई, भगवान के नाम पे कुत्ते तेरे बाबा। थैंक यू भाई, बहुत पैसे लगते हैं तेरे पास। साले 10 रुपए एक दिन दहाड़े भिखारी को लूटता है। बिट्टू तू? विकास तू? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो लंदन में था और यहाँ लैंड में बैठा हुआ है। बहुत दुख भरी कहानी है यार। ऐसा क्या हुआ भाई तेरे साथ? बहुत बुरा हुआ भाई मेरे साथ। ऐसा क्या हो गया भाई तेरे साथ? चला बताता हूँ। तो ऐसा हुआ था भाई मेरे साथ। तू कह रहा है कि तेरी गर्लफ्रेंड यानी कि मेरी एक्स और उसके किसी नए बॉयफ्रेंड ने तुझे मिलकर चूतिया बनाया, और ऐसा चूतिया बनाया कि तेरी स्कूटी ले भागे जो कि थी तेरे बाप की। अब तू घर भी नहीं जा सकता क्योंकि स्कूटी गई, इसलिए तू भीख मांग रहा था। हाँ भाई। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों का यकीन कर लूँगा? भाई मुझे माफ़ कर दियो यार, जो मैंने पहले तेरी बात नहीं मानी और तेरी बात भी नहीं सुनी। कोई बात नहीं यार, तू मेरा दोस्त है, तू चिंता मत कर, मैं तेरी स्कूटी लेके आऊँगा। तू झूठ बोल रहा है ना? क्या करूँ यार, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं। साले कसम खा तू। मेरी एक्स की कसम, अब तो ठीक है ना? जान क्या हुआ तुम्हें? तुम लेट क्यों गई? ओह नो, इसकी तो दिल की धड़कन ही नहीं चल रही। मुझे लगता है इसका काम खत्म, जल्दी यहाँ से निकलता वरना केस हो जाएगा। अब चल वो दिखा जहाँ पर तेरी स्कूटी छीनी थी। चला भाई दिखाता हूँ। उसका तो गेम ओवर हो चुका है, तो मैं स्कूटी का क्या करूँ? ऐसा करता हूँ ये स्कूटी विकास को ही दे देता हूँ। भाई तेरी स्कूटी कहाँ छीनी थी? भाई मेरी स्कूटी यही छीनी गई थी। अरे वो तो विकास आ रहा है, चलो ये स्कूटी उसे दे देता हूँ। भाई वो देख जतिंदर आ रहा है, उससे पूछते हैं। अबे तो मेरी स्कूटी है जी, जितेंद्र कहाँ से ला रहा है इसको? तेरी स्कूटी है वो? हाँ चल पूछते हैं उससे। आ जा। भाई तुझे ये स्कूटी कहाँ से मिली? हाँ भाई क्या बोलूं उसे, झूठ बोल देता हूँ। भाई मुझे सड़क किनारे पड़ी हुई मिली थी, तो मैं सोचा तेरे घर पे देखो देखे आज। अच्छा हुआ मिल गया यार। चलो ठीक है यार, तेरी स्कूटी तो मिल गई। यार आप क्या सोच रहे हैं बे? अबे उस लड़की का क्या हुआ होगा? अबे उसका छोड़ यार, तेरी स्कूटी मिल गई। मैं तो खुश हूँ यार, स्कूटी तो मिल गई। अबे स्कूटी चलाएगा कौन? साले तेरी स्कूटी है, तू चलाएगा। अबे छोड़ना, जो लाया उसको चलाने दे। चल सही बात है। और जाने मन तुम कहाँ जा रही हो? सर मैं जाने मन नहीं, डीके। I am from underwear officer, डीके। साले तू अंडरवेयर नहीं, तू गंडवेयर लग रहा है। तूने ये किसकी नाइटी चुराई? सर हम एक ऐसे मिशन पे हैं जिसमें हमें अपनी पहचान छुपाए रखनी पड़ती है, इसलिए हमें ये सब पहनना पड़ता है सर। साले तू तो बिगनी भी पहन लेगा। और बता सर, मेरा छोड़िए, आप ऐसे कैसे ड्रेस में पहने हुए हैं? पूरी ये तो खाकी भी नहीं लग रही। नेशनल चप्पल जो ओ। साले मैं भी अंडरवेयर ऑफिसर हूँ, देख मैं छाती पे लिखा है पूजा। अरे सर जिस केस की आप तहकीकात कर रहे हैं, हाँ। उसके बारे में हमें एविडेंस मिल चुका है विद वीडियो के साथ। अच्छा दे। ये देखिए सर, इसमें उस दिन के गाड़ी की फुटेज है विद नेम प्लेट के साथ, और 3 युवक उस दिन इस पे 2-3 राउंड भी लगाए थे। स्कूटी के निशान। और ये रहा वीडियो फुटेज, ये देखिए सर, यही 3 युवक थे और इन्होंने तो हेलमेट भी नहीं लगाया था सर। जेब गरम हो सकती है हमारी। बहुत सही डीके। गाली मत दो सर, इतना अच्छा काम किया है। अबे भोसड़ी डीके, तेरा नाम ही ऐसा है, मैं बहुत सही डीके बोल रहा हूँ। शुक्रिया। चलिए सर।
अब तो लगता है खाने से ही पेट भरना, अब तो लगता है बातों से ही पेट भरना पड़ेगा।